प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जब फसल क्षति होती है तो किसानों को सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जाता है। जब किसानों की जो फसल है 33% से ज़्यादा क्षति होती है तो सरकार के द्वारा निर्णय लेकर कृषि विभाग के माध्यम से अनुदान दिया जाता है। अनुदान का दर निर्धारित है। अगर वह सिंचित क्षेत्र है, इरीगेटेड क्षेत्र है, तो उसको 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से और असिंचित खेत के लिए 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से किसानों को अनुदान दिया जाता है। और इस अनुदान का लाभ देने के लिए पहले तो किसानों को अपने कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना पड़ता है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। वह रजिस्ट्रेशन गया जिले में लगभग अभी 8 लाख से ऊपर किसान रजिस्टर्ड हो गए हैं। वो अपने उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर आवेदन करेंगे और सत्यापन के बाद उनके ज़मीन का रकबा के हिसाब से किसानों को अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2021-22 का जो खरीफ मौसम था, इस समय फसल क्षति कुछ हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस जिले के 18 प्रखंडों के लगभग 200 से ऊपर पंचायतों, लगभग 225 पंचायतों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। तो यहाँ फसल क्षति अनुदान न देकर किसानों को, और केवल किसान ही नहीं, पंचायत क्षेत्र में जिन पंचायतों को यह घोषित किया गया था सूखाग्रस्त, उन पंचायतों के सभी परिवारों को तत्काल सहायता के रूप में 3,000 रुपये दिया गया था। तत्काल सहायता का लाभ लेने के लिए किसानों को संपूर्ति आपदा विभाग का संपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करना था और उसके बाद किसानों को 3,000 रुपये अनुदान दिए गए हैं। जिले के 3,15,701 किसानों को 3,000 रुपये की दर से अनुदान उनके बैंक खातों में भेजी गई है इस वर्ष।